हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम ऐसे एक नुस्खे के बारे में, ऐसे एक उपाय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दादी नानियों से पुराने ज़माने में बताए गए हुए हैं, जो कि 70-80 साल से हमारे इंडिया में हमारी दादी नानियाँ गर्भवती महिलाओं को देख के बताते आए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं हम वो नुस्खा यानी कि वो उपाय के बारे में, जिससे कि ईजिली आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपने एक लड़के को कंसीव किया या लड़की को कंसीव किया है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीना एक महिला को पता भी नहीं रहता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जैसे जैसे डे बढ़ता है, जैसे जैसे उनका प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाता है, तो वैसे वैसे उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी के थर्ड और फोर्थ मंथ यानी कि थर्ड मंथ के एंडिंग में और फोर्थ मंथ के स्टार्टिंग में अगर आपको आपके बच्चे का जो मूवमेंट है, जो हलचल है, आपको फील होना चालू हो जाता है, हल्का ही सही, लेकिन अगर आपको फील होना चालू हो जाता है तो ये मानते हैं कि एक प्यारी सी लड़की की आप माँ बनने वाले हो। वहीं पे अगर बच्चे का मूवमेंट फोर्थ मंथ या फाइव मंथ के बाद आपको पता चलता है तो ये बोला जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। ये जो मान्यता है, ये जो बातें हैं, वो हमारे पहले ज़माने से कि दादी नानियाँ बोलते आए हुए हैं, और ये 70-80 साल पता नहीं कई ज़माने से हमारे इंडिया में जेंडर प्रेडिक्शन के नाम पे दादी नानियाँ बताते आए हुए हैं। पहले जब अल्ट्रासाउंड नहीं था, सोनोग्राफी नहीं था, तो हमारी दादी नानियाँ से छोटे छोटे लक्षणों को देख के, छोटे छोटे उपाय को देख के बता देते थे कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है कि लड़की को कंसीव किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कुछ सजेशन देना रहेगा मुझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो, अगर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करके कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।